सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि मेरे चैनल पर आप जो भी प्रोडक्ट्स रिव्यू देखते हैं वो मैं खुद से परचेज करता हूँ और आपके लिए ऑनेस्ट वीडियो लेके आता हूँ। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज की इस वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हमारे पास है ये बोट रॉकस्टिक 35 का एक स्मार्ट बर्ड्स वाला एडिशन, जहाँ पे अभी आप जो मैग्नेटिक ईयरबड्स है उसके थ्रू आप अभी ऑन ऑफ कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्पेसिफिकेशन अगर बात करें तो यहाँ पे सिमिलर स्पेसिफिकेशन आपको यही 335 पुराना वाला देखने को मिलता है, बस एडिशनली आपको यहाँ पे वो जो मैग्नेटिक पेयरिंग वाला अभी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको 30 आवर्स का प्लेबैक टाइम दोनों में ही और ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट और IPX5 देखने को मिलता है। दोनों में आपको क्वालकॉम APDX HD का सपोर्ट देखने को मिलता है और यहाँ पे क्वालकॉम CVC नॉइज आइसोलेशन देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे आपको म्यूजिक में क्या यहाँ पे अपग्रेड हुआ है, यहाँ पे डाउनग्रेड हुआ है, यहाँ पे कॉल क्वालिटी आपको कैसे देखने को मिलता है और साथ में यहाँ पे लो लेटेंसी का आपको कैसे देखने को मिलता है, वो सारा चीज़ जानेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखना। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिजीत, वेलकम टू माय चैनल डे बाय डे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं इसका जो बॉक्स पैकेजिंग। तो ऊपर की तरफ अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको मैग्नेटिक स्मार्ट बर्ड के यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा गया है कि सेपरेट टू पावर ऑन और यूनाइट टू पावर ऑफ, और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे क्वालकॉम APDX HD का सपोर्ट, क्वालकॉम APTX और क्वालकॉम CVC कॉल नॉइज आइसोलेशन देखने को मिलता है। पीछे की तरफ भी आपको सिमिलर मतलब यहाँ पे स्पेसिफिकेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बस इम्प्रूव है, तो यहाँ पे मेटेलिक मैग्नेटिक ईयरबड्स यहाँ पे लिखा गया है। अगर यहाँ पे आपको कंपेयर करके दिखाओ ना तो पुराने वाला है, तो यहाँ पे देखो ये चीज़ मिसिंग है जो मैग्नेटिक स्मार्ट बर्ड वाला यहाँ पे, और देख सकते हो यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे मेंशनड है लेकिन यहाँ पे नहीं है, लेकिन बाकी सारी चीज़ सेम है। और पीछे की तरफ अगर आप देखोगे ना वहाँ पे आपको लो लेटेंसी यहाँ पे देखने को मिलता है, लेकिन वही सेम जगह पे यहाँ पे रिप्लेस किया गया है कि यहाँ पे मैग्नेटिक ईयरबड्स आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो लो लेटेंसी भी हम चेक करेंगे कि कहीं ना कहीं मतलब इस पर लो लेटेंसी की कमी है या क्या है, तो वो भी हम आगे चेक करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं यहाँ पे आपको क्या क्या बॉक्स में कंटेंट देखने को मिलता है। तो बॉक्स में आपको वही सिमिलर चीज़ एक कैटलॉग देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको एक मैनुअल, उसके बाद 1 ईयर का वारंटी देखने को मिलता है। ये आप ना रजिस्टर जरूर करना बाद में, ये बहुत ही हेल्प होगा। जो भी नंबर है या फिर QR कोड की मदद से आप इसको रजिस्टर कर देना। बाकी यहाँ पे आपको एक केबल देखने को मिलता है Type-C का, जो कि आपको पुराने वाले वेरियंट पर भी यही सेम देखने को मिलता था, और ईयर टिप्स और आज यूजल एक बोट हेड का स्टिकर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और अभी ये जो पुराना वाला 335 है ना उसके साथ अभी हम साइड बाय साइड कंपेयर भी करेंगे, जिसके वजह से अभी आपको आइडिया हो जाएगा कि इस बिल्ड क्वालिटी में भी आपको क्या क्या यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो स्टार्ट कर लेते हैं इसके जो नेक बैंड के डिज़ाइन। तो यहाँ पे आपको वही सिमिलर सिलिकॉन वाला यहाँ पे देखने को मिलता है मटेरियल, और थिकनेस भी आपको वही सेम देखने को मिलता है। और यहाँ पे अगर आपको मैं बताऊँ इसका जो फ्लेक्सिबिलिटी दोनों में ही इक्वल है, ओके, और सॉफ्टनेस भी यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिलता है। यहाँ पे बोट की ब्रांडिंग आपको देखने को मिलता है, और दूसरी साइड अगर आपको मैं दिखाऊँ तो इस तरह से आपको बटन देखने को मिलता है, एक सिंगल बटन इस साइड जो कि इक्वल ही देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको LED नोटिफिकेशन लाइट भी दिया गया है इस साइड में, सिमिलर है। और यहाँ पे आपको जो पोर्ट है यहाँ पे Type-C का वहाँ पे भी कवर देखने को मिलता है, और इस साइड आपको ये प्लस माइनस बटन यहाँ पे भी सिमिलर ही देखने को मिलता है। और वायर के बारे में बताऊँ तो यहाँ पे भी आपको सिमिलर टाइप ऑफ वायर ही यूज किया गया है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं है वायर पे। बाकी ये ईयरबड्स में तो आपको वो स्मार्ट बर्ड वाला देखने को मिलता है। अगर हम और कोई कुछ देखेंगे क्या आपको और क्या क्या इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, तो यहाँ पे देखो ये डिज़ाइन में भी थोड़ा सा अभी चेंज आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ये जो साइज़ जो है ना पीछे वाला यहाँ पे इसको बड़ा किया गया है। 335 में इस तरह से देखने को मिलता था, अभी वाले में आपको इस तरह से थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा किया कर दिया गया है ये डिज़ाइन को। मैं भी आपको यहाँ से अच्छे से दिखा देता हूँ ताकि आपको वो आइडिया हो जाए कि आप अभी कैसा डिज़ाइन देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो ईयर हुक्स भी आपको सिमिलर ही देखने को मिलता है, सेम आपको सारे जो बोर्ड के डिवाइस में देखने को मिलता था। तो ये था ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी, जहाँ पे जो डिज़ाइन मुझे हल्का सा चेंज लगा जो ईयरबड्स का, और बाकी सब कुछ यहाँ पे आपको सिमिलर ही देखने को मिलता है। तो अब जैसे इस ईयरबड्स को ऐसे सेपरेट कर देते हैं तो यहाँ पे ये देखिए LED लाइट ब्लिंक हो रहा है, मतलब ये ऑन हो गया है। और अपने फ़ोन का ब्लूटूथ यहाँ पे ऑन कर देना है, और यहाँ पे अगर आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे सबसे नीचे आपको रॉकर्स 335 करके यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और ये उसके बाद ये कनेक्ट हो जाएगा। और ये कनेक्ट हो जाने के बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे बैटरी परसेंटेज भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी मैग्नेटिक ईयरबड्स देखो जैसे सेपरेट होने के बाद जैसे यहाँ पे कनेक्टेड है, तो जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि इसको मैं जैसे कनेक्ट कर देता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे ये डिसकनेक्ट हो गया। और अगर दोबारा इसको अभी इस तरह से अगर मैं अलग कर देता हूँ तो अभी देखो थोड़ी देर के बाद ये कनेक्टेड हो जाता है। तो कुछ इस तरह से ये स्मार्ट बर्ड्स वर्क करते हैं, जिसके वजह से अभी मैग्नेटिकली आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं ऑन ऑफ करने के लिए।
तभी हम स्टार्ट कर लेते हैं कंपेयर करना इनके जो म्यूजिक क्वालिटी कैसा है। तो यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली नॉन कॉपीराइट वाला म्यूजिक यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको हिंदी सॉन्ग में कैसा आउटपुट जानना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके वहाँ पर चेक कर सकते हैं। मैं इसका जो हिंदी सॉन्ग में आउटपुट वहाँ पर डाल दूंगा, आप वहाँ पर देख सकते हैं। अभी जो आवाज आप सुन रहे हैं ये आवाज आपको इसी बोट रॉकर्स 335 स्मार्ट बर्ड्स वाला जो एडिशन है इससे मिल रहा है। और यहाँ पे भी आपको जो क्वालकॉम सीबीसी कॉल नॉइज आइसोलेशन का यूज किया गया है। और यहाँ पे जो सिनेरियो है कि मैं अपना जो फैन है मीडियम स्पीड में रखा हूँ ताकि अगर बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत नॉइज हो, उसी टाइम इसी नेकबैंड को यूज करके अगर आप किसी को कॉल करते हैं जो आवाज आपको मिलने वाली है कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। और अभी ये जो आवाज आप सुन रहे हैं ये आवाज आपको इसी बोट रॉकर्स 335 से मिल रहा है। ये कोई स्पेशल एडिशन नहीं है, पुराना वाला वर्सन है। लेकिन यहाँ पे भी आपको क्वालकॉम सीबीसी कॉल नॉइज आइसोलेशन का यहाँ पे यूज किया गया है। यहाँ पे भी सिग्नल सेम है कि मैं बैकग्राउंड में जो फैन है मीडियम स्पीड में रखता हूँ ताकि अगर बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत नॉइज हो, और उसी दौरान आप इसी नेक बैंड को यूज करके किसी को कॉल करते हैं तो आपको कुछ आवाज इस तरह से मिलने वाली है। सो फाइनली हम बात कर लेते हैं कि आपको इन दोनों में से कौन सा कंसीडर करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको एक अपग्रेड देखने को मिलता है कि अभी ये स्मार्ट बर्ड्स के साथ आते हैं जिसके मदद से अभी आप मैग्नेटिक कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ अभी और बहुत सारी चीज़ में आपको यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है जो कि अभी मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। तो ये जो 335 जो पुराना वाला वेरिएंट है ना, इसका मैंने कंपैरिजन किया था 330 के साथ। तो उसी टाइम में मुझे इसका जो साउंड क्वालिटी इतना कुछ अच्छा नहीं लगा था, ना ही इसका जो कम्फर्ट मुझे इतना अच्छा लगा था। लेकिन यही चीज़ अभी यहाँ पे इम्प्रूव किया गया है। अगर मैं आपको दिखाऊँ कि कम्फर्ट मतलब ये जो दोनों का ही डिज़ाइन ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, लेकिन यहाँ पे कम्फर्ट ज़्यादा क्यों लग रहा है मुझे, तो ये चीज़ अनबॉक्सिंग करने के टाइम मुझे पता नहीं चला। लेकिन बाद में जब इसको यूज़ किया तो वो चीज़ मुझे मतलब लगा कि क्यों ऐसा है कि ये ज़्यादा कम्फर्टेबल लग रहा है। तो यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर ये बर्ड्स के डिज़ाइन देखोगे अभी के लिए, ओके, ये जो राइट साइड पे अभी देख रहे हो पुराना वाला वेरिएंट है, इस पर आपको इसे स्ट्रेट टाइप का एक्चुअली ये बर्ड्स देखने को मिलता है। अभी मैं ये जो हुक से थोड़ा सा यहाँ पे पीछे कर लेता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से दिख पाए। ओके, ये देखो ये एक्चुअली बर्ड्स अभी ऐसे स्ट्रेट टाइप का, अभी पुराने वाले में ऐसे स्ट्रेट टाइप का देखने मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे अभी देखो नया वाले में आपको इस तरह से एक ऐसे टिल्टेड है अभी। ओके, यही छोटे से इम्प्रूवमेंट के वजह से ये अभी कंफर्टेबली आपके कानों में फिट बैठते हैं और अभी आपके मतलब बहुत ज़्यादा कंफर्ट देखने को मिलता है। और म्यूजिक क्वालिटी का मैं बताऊँ तो ये जो पुराना वाला वेरिएंट था उस पर अगर आप 100% में इसको सुनते थे तो मतलब ये आवाज़ में बहुत सारा डिस्टॉर्शन देखने को मिलता था।
और यहाँ पे ज़्यादा बेस होने के वजह से ना जो ट्रेबल है या फिर वोकल्स हो वो दब जाते थे, मतलब इतना क्लैरिटी नहीं था म्यूजिक में। लेकिन यही चीज़ अभी इम्प्रूव किया गया है इस नए वाले वेरिएंट में, जहाँ पे अभी आपको म्यूजिक बहुत अच्छा देखने को मिलता है और बेस भी यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिलता है और आपको यहाँ पे अभी क्वालिटी ऑडियो देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है लास्ट टाइम के जैसे, अगर इसको यूज़ किया ना आपको पता चलेगा कि मतलब यहाँ पे जो डिस्टॉर्शन का मैं पर्टिकुलर बोल रहा हूँ वो चीज़ यहाँ पे था, लेकिन ये चीज़ अभी नहीं है। साउंड क्वालिटी में यहाँ पे बहुत इंप्रूव किया गया है और कॉल क्वालिटी में यहाँ पे दोनों में ही आपको सिमिलर काइंड ऑफ आउटपुट देखने को मिलता है और ये अच्छा खासा नॉइज़ कैंसिलेशन कर देता है जो एनवायरनमेंट के, तो ये काफ़ी अच्छा अगर आप इसको कॉलिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं, ये दोनों ही अच्छा है। तो अगर हम पे देखेंगे जो ऑडियो लेटेंसी, दोनों में मैं बोलूँगा कि ऑडियो लेटेंसी सिमिलर है, हल्का फुल्का आपको मतलब यहाँ पे लेटेंसी देखने को मिलेगा, लेकिन कैजुअल गेम्स वगैरह करते हैं तो यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमेशा कहते हैं आपको मैं जैसे रिकमेंड करता हूँ कि एक वाइड वाला ईयरफोन या फिर जो सुपर लो लेटेंसी या फिर लो लेटेंसी जहाँ आता है अभी का जो हेडफोन है तो उसके साथ आप जा सकते हैं अगर आपको गेमिंग ही प्रायोरिटी है। और बाकी अगर यहाँ पे देखेंगे तो इन दोनों में से आपको कौन सा कंसीडर करना चाहिए, तो सीधा बात है कि आप इसको ही कंसीडर करना चाहिए और इसका जो डायरेक्ट बाइंग लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर इसको खरीद सकते हैं। ज़्यादातर आपको मतलब कन्फ्यूजन होगा कि कौन सा स्मार्ट बर्ड है कौन सा नहीं है, तो वो लिंक को यूज़ करके आप चेकआउट कर सकते हैं। और इसको मैं इसका लिंक आपको मैं दूंगा ही नहीं क्योंकि ये मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे ये कभी कभी प्राइस में 1300 में आ जाता है और ये 1500 अभी के लिए है, तो इसी प्राइस पॉइंट में भी ना आप इसी को ही कंसीडर करना। ऐसा नहीं कि ये 1300 पे मिल रहा है तो आप इसको खरीद ले, आप इसके लिए ज़रूर जाना, ठीक है। वही 200 रुपये आप जो एक्स्ट्रा देंगे उससे आपको बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। तो ये था फाइनल आउट मतलब वर्डिक्ट के इन दोनों में से आपको कौन सा खरीदना चाहिए। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर देना। और इसके साथ साथ हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर हम यूजफुल प्रोडक्ट के जो डिटेल्स डालते रहते हैं, और इन दोनों ही प्रोडक्ट के रिलेटेड अभी अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट के थ्रू या फिर मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके वहाँ पर भी DM कर सकते हैं। आज इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल दैट टेक केयर, बाय बाय।